तेरा मूड ऑफ हो गया ना? इतना सारा काम जो करना पड़ रहा है तुझे, डिनर सर्व करना, ये करना, वो करना, उसमें क्या बात हो गई? खाना ही तो लगाना है, खाना लगाने में क्या टाइम लगता है? लेकिन तू ये सब क्यों कर रही है उत्तरा? हिमली से कह रही थी, वही तो सब क्यों? मैं कर लूंगी, माने पता है कि मने क्या करना है और जीजाजी का कैसे ध्यान रखना है। मुझे उनकी नहीं तेरी चिंता हो रही है उत्तरा। क्यों, मने क्या हो गया? बचपन से जानती हूँ तुझे, एक साथ बहुत सारी चीजें हैंडल करने की आदत नहीं है ना। जिम्मेदारियां बढ़ जाए तो तू कंफ्यूज हो जाती है। अचानक से सारा बोझ आन पड़ा तुझ पे तो रहने दे दीदी, दिखावा मत कर। अगर तने सच में मारी चिंता होती ना तो इस वक्त तू यहाँ होती, वहां अकेले छुट्टी नहीं मना रही होती। हाँ वैसे भी यो ट्रिप तो तुम दोनों का था ना, तो अकेले चढ़े जाने का क्या मतलब होता है? अरे भाई तो बचपन से ही ऐसा था, एकदम शांत, ना किसी से झगड़ा, ना किसी से नोकझोंक, कुछ ना। स्कूल से तो कोई शिकायत ना आती थी इसकी, और पड़ोसियों का बिल्कुल फेवरेट। और ये था हमारे ते बिल्कुल ऑपोजिट। अरे सबसे ज्यादा डांट तो इसे ही पड़ती थी, कभी नौकरों को बाथरूम में बंद कर देना, कभी उनके कपड़े छिपा देना, गणा शैतान था बचपन में। के भाई मैं थारी तारीफ कर रहा हूँ और तुम्हारी पोल खुल रहा है। सर एक्सक्यूज मी, क्यों रे मम्मा? मुरली ने बताया कि तू वापस आ गया है, ऐसा क्या हो गया? और बहू किससे? थारे थे पूछ रहा हूं देवयानी कितना है? मन ने जरूरी काम से आना पड़ा और उसने आ गया अकेले जाने का फैसला कर लिया। फैसला कर लिया? अच्छा, तने आज तक उसे अपनी मर्जी से कोई फैसला करने दिया जो वो आज करेगी? इसमें भी थारा कोई मतलब होगा। इतना यकीन से मेरे पे तो फिर पूछ क्यों रहे हो? मुझे तुम्हें बताने के लिए कुछ नहीं है प्रिया, सॉरी प्रिया, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। चल चलिए कड़ी, चल बाहर चल। बेटी बाप की इज्जत का मान ना रखे जो वो बेटी कैसी? उन्हें ससुराल जाना ही पड़ेगा विद्या, खबरदार जो आज के बाद में यहाँ पार धरे थे। बापू!